नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में हफ्ते भर पहले रविवार का ही दिन था जब जाफराबाद में नागरिकता कानून के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरी थी। विरोध ने तूल पकड़ा और दिल्ली के 12 थाना क्षेत्र हिंसा की चपेट में आते चले गए। दिल्ली में अब शांति है, उपद्रव ग्रस्त इलाके में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। अब तक 167 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन हिंसा के आरोपी आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन फरार है। उधर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी आज हिंसाग्रस्त इलाके यानी कि भजनपुरा में पहुंचे। श्री श्री ने दोनों पक्षों से बात की और सद्भावना बनाए रखने की कोशिश की। मिशन सद्भावना पर आज वो पहुंचे ही हैं, जहां पर दोनों पक्षों से बातचीत कर मेल मिलाप की बात की। इस वक्त हम यमुना विहार में मौजूद हैं। आप देखिए, जो श्री श्री रविशंकर है वो तमाम जो इफेक्टेड दुकानें हैं जो जल गई है वहां पर पहुंच रहे हैं और यहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक शांति का संदेश लेकर यहां पर पहुंचे। और आप देखिए, काफी सिक्योरिटी यहां पर तैनात है और उनका साफ साफ यही कहना है कि वो चाहते हैं कि बातचीत करें आके और राजनेता भी जो लोगों से, ताकि उनकी जो एक तरह से कहा जाए जख्मों पर मरहम लग सके। और यहां पर आप देखिए, श्री श्री रविशंकर फिलहाल यहां से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दृश्य दिखाएं। श्री श्री रविशंकर हैं और यहां पर तमाम दुकानों में पहुंचे, हर समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से हिंसा हुई ये एक्सेप्टेबल नहीं है और यहाँ पर चाहे कोई भी मजहब हो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कहा जा सकता है दिल्ली में जगह जगह लगना। सर, आपसे लोग बात कर रहे हैं लगातार, यहाँ देखिए अब दूसरी दुकान में घुसे हैं, ये हर एक दुकान का जायजा ले रहे हैं जो दुकान इफेक्टेड है कहीं ना कहीं, या ये कहा जा सकता है कि जिन दुकानों को जला दिया गया वहां पर रविशंकर पहुंच रहे हैं और हर एक समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अब जो है सिचुएशन नॉर्मल होनी चाहिए, सभी कम्युनिटी के लोगों को एक साथ मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। और इसी संदेश के साथ वो लोग यहाँ पर खुद श्री श्री रविशंकर पहुँचे हैं और फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि भजनपुरा पेट्रोल पंप पर गए, इसके अलावा यमुना विहार में एक दुकान में गए, अब एक और दुकान में भजनपुरा जो है वहाँ पहुँचे हैं। और उनका जो एम यही है कि कहीं ना कहीं जो शांति है वो कायम होनी चाहिए और इसी सेंस में यहाँ आकर वो लोगों से बात कर रहे हैं। चिरागोठी, दिल्ली आज तक। और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जब हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंचे, लोगों से बात कर रहे थे, उसी बीच हमारे सहयोगी ने भी उनसे कुछ सवाल पूछा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। श्री श्री रविशंकर जो है, सतर्क रहना चाहिए बाहर के लोगों से। सर, आपको क्या लगता है इस हिंसा को किस तरह से आप चाहते हैं कि ये सब कंट्रोल आए, क्या मैसेज है? दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। इस पर श्री श्री रविशंकर आपका क्या कहना है, अब आप क्या शांति संदेश देना चाहते हैं? शांति का संदेश तो दे रहे, अमन शांति का दोनों समुदाय के बीच में। ये बाहर से लोग आके इस तरह से फूट फैलाए हैं और इससे हम सतर्क रहना पड़ेगा, एंटी सोशल एलिमेंट्स को सबक सिखाना पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।